हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज हम इस ब्रश का रिव्यू करने वाले हैं और देखते हैं कि ये ब्रश कैसा रिजल्ट देता है और इसे आपको बाय करना चाहिए या नहीं, आपको हम बताएंगे। आगे वीडियो में बने रहिए। मेरे पास सात हैं लेकिन फ़िलहाल मैं इसको दो निकाल के रखा हूँ यूज़ करने के लिए, तो देखते हैं इसका यूज़ करके। तो फ़िलहाल हम इससे ये HB पेंसिल से हम शेडिंग करके इसको ब्लेंड करके देखते हैं कि ये कैसा रिजल्ट देता है, और फिर आपको हम बताएंगे कि क्या आपको इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो मेरा शेडिंग हो चुका है और अब इसको हम ब्लेंड करके देखते हैं इस ब्रश से। तो फिलहाल ये इससे हम करते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है ये, और जो मैंने पहले ब्रश यूज किया है उससे तो ये काफ़ी बेटर है। आप देख सकते हैं, ये मैंने लाइट शेडिंग किया था पूरा, तो आपको पता चलता होगा कि पूरा सब मिक्स हो चुका है, बहुत ही अच्छा ब्लेंड हुआ है ये। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने दो तीन ब्रश ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया है तो उससे ये काफ़ी बेटर है, और आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आप अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह से परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके नज़दीकी मार्केट में अवेलेबल नहीं भी हो सकता है या हो भी सकता है, वो आप देख लीजिए, आपको जैसा सुविधा पड़े आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये मैं फिर से सेटिंग कर रहा हूँ, ये दूसरा ब्रश है तो इसको हम यूज़ करके देख रहे हैं। ये देखिए कैसे रिजल्ट दे रहा है, बहुत ही अच्छा से ब्लेंड हो रहा है यहाँ पे। ये 4B पेंसिल से मैं शेडिंग कर रहा हूँ देखिए, और इसको मैं ब्लेंड करके देखूँगा ये कैसे रिजल्ट देता है। शेडिंग हो चुका है 4B से, अब इसको ब्लेंड करते हैं। पूरा स्मूथ हो रहा है यहाँ पे ब्लेंड, और यहाँ पे काफ़ी हमको पूरा स्लोली आप कर सकते हैं या फिर जैसे स्मूथ मतलब पूरा हो रहा है, पूरा प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहा हूँ मैं, पूरा हल्के हल्के प्रेशर से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बहुत ही स्मूथली ये वर्क कर रहा है। ये देखिए काफ़ी अच्छा ब्लेंड हो चुका है, और अब हम 10B से शेडिंग करके देखते हैं। यहाँ पे शेडिंग हो चुका है 10B से, अब इसको ब्लेंड करके देखते हैं डार्क पेंसिल का शेड ये ब्लेंड कैसे करता है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली भी ब्लेंड कर रहा है ये, काफ़ी पूरा बहुत ही मज़ा आएगा इससे काम करने में। ये देखिए पूरा अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, और ये था ग्रेफाइट पेंसिल। अब हम यूज़ करेंगे चारकोल पेंसिल का, और कैसा चारकोल पेंसिल में रिजल्ट देता है ये आपको हम बताते हैं। मेरे पास ये कैमलिन का सॉफ्ट चारकोल है, छोटा सा हो गया है, तो इसको हम पेंसिल एक्सटेंडर में हम डाल के यूज कर रहे हैं। यहाँ पे शेडिंग हो चुका है, अब इसको हम ब्लेंड करेंगे, काफी स्मूथ हो रहा है ये ब्लेंड। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने अब तक के जितने भी ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किए हैं उससे ये काफ़ी बेटर है, और इससे काफ़ी मज़ा आएगा काम करने में। तो ये था रिव्यू इस ब्रश का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।